जेसीआई रायपुर कैपिटल का शपथ ग्रहण समारोह राजधानी रायपुर में संपन्न हुआ, जिसमें वर्ष 2019 के लिए जेसी अमित खरे ने अध्यक्ष पद की शपथ ली। अमित खरे ने सबको साथ लेकर चलने पर भी जोर दिया और संस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प भी लिया। जेसीआई रायपुर का शपथ ग्रहण समारोह राजधानी में संपन्न हुआ। जैसे अमित खरे को वर्ष 2019 के अध्यक्ष पद पर शपथ दिलाई गई। अमित खरे रायपुर कैपिटल के 19वें अध्यक्ष होंगे। उनके साथ ही इनकी कार्यकारिणी ने भी शपथ ग्रहण किया। संस्था के सचिव के पद पर जेसीआई सागर जैन ने शपथ ली। अमित खरे ने अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद सबको साथ लेकर चलने पर जोर दिया और संस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प भी लिया। गौरतलब है कि इस वर्ष के प्रथम छमाही में संस्था के 28 नए लोग जुड़े हैं। उन्होंने भी जेसीआई की सदस्यता ली है। कार्यक्रम में शामिल आरडीए के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कहा कि समाज में ऐसी संस्थाओं का महत्व काफी है। इन संस्थाओं के योगदान के कारण ही समाज को एक सही दिशा मिला है और युवा इसके संरक्षण में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही संस्था लगातार कई वर्षों से युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सही काम कर रहा है, जिसके नतीजे सामने दिखाई दे रहे हैं। नई कार्यकारिणी में 19 नए सदस्य, 25 कार्यकारिणी सदस्य शामिल किए गए। अमित खरे ने मीडिया को बताया कि उनकी कोशिश होगी कि जेसीआई कुछ ऐसा कार्य करे जिससे सामाजिक संस्था और युवाओं में नया जोश भर सके। आज जैसे हम अपनी नई कार्यकारिणी जिसमें 29 नए मेंबर्स हैं और 25 कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनके साथ एक नया साल शुरू कर रहे हैं। इस साल हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुछ ऐसे कार्य करें जो अभी तक जेसीस में ना हुए हों और समाज को एक बेहतर और की ओर ले जाए। वैसे तो जेसीस शुरू से ही सामाजिक संस्था रही है और हमेशा से सामाजिक उत्थान पे ही काम किए हैं, पर हमारा सोचना है कि युवाओं के लिए हम कुछ और नया करने की सोचेंगे जिससे युवाओं को एक दिशा मिल सके और वो इस डायरेक्शन में बढ़े कि सेल्फ सस्टेनेबल इनकम कर सके। आज का ये जो जेसीआई रायपुर कैपिटल का शपथ ग्रहण समारोह है, ये 19वां शपथ ग्रहण समारोह है। आज ही के दिन सन 21 नवंबर सन 2000 को जेसीआई रायपुर कैपिटल की स्थापना हुई थी और ये संस्था हर वर्ष नए लीडर्स प्रोड्यूस करने की ऑर्गेनाइजेशन है और उसी विधि को मेंटेन करते हुए आज 19वें अध्यक्ष शपथ लेंगे, उसी का कार्यक्रम है। उन 19वें सदस्य के साथ में, अध्यक्ष के साथ में उनकी कार्यकारिणी के साथ में नए सदस्यों को भी हम आज के दिन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सारे के सारे नए सदस्य भी आज के दिन शपथ लेते हैं। आपको बता दें कि 9 दिसंबर सन 2000 को जेसीआई कैपिटल की स्थापना हुई थी और यह संस्था हर वर्ष नए लीडर्स को सबके सामने रखता है ताकि युवाओं में जोश और खरोश के साथ कार्यशैली में सामाजिक कार्य किया जा सके। देश टीवी के लिए एम कोल्लैया की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यू डी अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।